नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, JSSC का जो IRB का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो नियुक्ति पत्र है यानी आपका जो जॉब ऑफर लेटर है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। तो उसका मैं आपको लाइव इस वीडियो पे दिखाऊंगा। JSSC का जो IRB का जो ऑफर लेटर आया हुआ है, उसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। उसमें क्या है, सारे कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम दिए थे और आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम JSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं, साथ ही साथ सारे सटीक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लें। दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम JSSC का जो ऑफ़र लेटर है, उसको दिखाते हैं आपको कैसा है। दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, ये है वो ऑफ़र लेटर जो कि JSSC IRB की तरफ से भेजा गया है उस कैंडिडेट्स का, जिनका नाम है विद्याघर चटर्जी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए, ये JSSC के न्यूज़ में एक पेपर में आया था, उसमें देखिए उनका नाम मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि उनका नाम कहाँ पे है, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो इसको बने रहिए, क्योंकि थोड़ा एरर हो चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो देखिए, ये है जो कि एडवर्टीजमेंट निकाला गया था पेपर पे। तो देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है, समादिष्टा का कार्यालय IRB 5 गुमला कैंप मुख्यालय धुरवा रांची। ये गुमला इसके लिए है, उसके लिए है, गुमला जिले में जो कि सिलेक्शन हुआ है उनका। देखिए, जो मैंने आपको नाम बताया था, उनका नाम था कोई चटर्जी करके नाम था। देखिए, मैं उसका नाम यहाँ पे खोज के दिखाता हूँ, फिर मैं उसका आपको ऑफर लेटर पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे उनका देखिए नाम ये है, चिन्मया चटर्जी करके नाम था, ये देख सकते हैं। ये देखिए, चिन्मया चटर्जी 12 नंबर पे देख सकते हैं, ये 12 नंबर पे चिन्मया चटर्जी, यही कैंडिडेट्स हैं वो जिनका वो ऑफ़र लेटर है, ठीक है। तो ये ऑफ़र लेटर आप रोल नंबर देख सकते हैं, ये चिन्मया चटर्जी जी का है। तो इनको ये ऑफ़र लेटर उनके घर भेज दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यही वो कैंडिडेट है चिन्मया चटर्जी, जिनको ये ऑफ़र लेटर मिला है। आप इसे देख सकते हैं, इनके हाथ पे ये ऑफ़र लेटर है, ठीक है। तो इनका ऑफ़र लेटर आ गया है, इनको मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, ये ऑफ़र लेटर है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, देखिए, रोल नंबर के साथ आपका जो नाम है, आपके पिताजी का नाम, ग्राम वगैरह सब एड्रेस दिया हुआ है। ये बोकारो के कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, विषय में विज्ञापन संख्या 8/2017 के अंतर्गत जो इंडियन रिजर्व बटालियन के पुलिस के पद की नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार को बुलावा पत्र भेजने के संबंध में। तो ये आपका ऑफर लेटर है, उसके बारे में यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, आप इसे स्नैपशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ डिटेल्स, क्या 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 था, क्या प्रमाण पत्र की जाँच के हुआ है, कैसे क्या हुआ, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मैं बताना चाहता था इस वीडियो पे, ठीक है। ये वही कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपने भी भरा था, आप भी क्वालिफाई किए हैं, तो आप वेट कीजिए, आपका भी ये ऑफ़र लेटर जल्दी घर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं, JSSC रिलेटेड कोई भी वीडियो, JSSC का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपके स्पेशल कॉन्स्टेबल और रेवेन्यू वाले जो हैं, वो सारा कुछ